हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंति क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक पढ़ने वाले हैं और केमिकल काइनेटिक का थर्ड वाला चैप्टर होगा, तो इसके अंदर लेट्स स्टार्ट इट, है ना। तो सबसे पहले देखिए भाई, ग्राफ। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको ग्राफ आते हैं, तो आप सभी ने बोला था हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको आता है सभी को, है ना। फिर भी मैंने बोला था कि एक स्लाइड हम डाल देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए कि ग्राफ होता क्या। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता बेटा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये सबको पता है, यस और नॉट? यस सर, यस सर, है ना। कि कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास अभी जिसको नहीं पता? पहले तो मेरे को वो बताओ, अंशिका, अंजलि, हरलीन, बेटा कोई सब है? पता है, पता सब है, पता है। ठीक है ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, तो देखो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब अगर इसका मतलब क्या होता है, फिर मैं इसको फटाफट करवाऊंगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई नई चीज लगे और कुछ ऐसा लगे कि ये चीज हमें नहीं पता थी, कुछ मिसिंग हो, तो मेरे को वहां रोक सकते हो आसानी से, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा उसको डिटेल कर दूं, वरना मैं फटाफट इसको बस पास कर रहा हूं। तो देखिए y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये अगर कोई भी इक्वेशन, इस इक्वेशन पर कोई भी इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में ले आए, ऐसी फॉर्म में, तो डेफिनेटली उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो इधर बने, ऐसे बने, बट वो सीधी लाइन होगा। सीधी लाइन मतलब वो ऐसा कर्व नहीं होगा, इस तरह का कर्व नहीं होगा, ऐसा डिजाइन नहीं बनाएगा, वेव लाइक नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, है ना। यस सर, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब यहां पर देखो, वाई का मतलब वाई एक्सिस है, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस है, और एम जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है। ऐसा लो, पीई स्लोप, ई नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, है ना, स्लोप, ये स्लोप होता है। और सी जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहां पर मैंने लिख रखा, देखो जरा सबसे नीचे, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट करता है वो होता है ये स्लोप। क्लियर है यहां तक? ये सबको पता है। अब बात करते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, जो हॉरिजॉन्टल टू अर्थ होती है, और जो परपेंडिकुलर टू अर्थ होती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस, ये बोला जाता है। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो देखिए अगर आपको ग्राफ मिलता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऐसा कुछ वो देगा, तो इसका मतलब होता है टी जो है, जो बाद में लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो पहले लिखा जाता है वो डिपेंडेंट होगा। टी वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टी, ठीक है। मान लो मैं आपको जीरो ऑर्डर का ग्राफ बोलता हूँ और कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ बोलता हूँ, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है डिपेंडेंट है, टी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूँ टी वर्सेस कंसंट्रेशन तो उल्टा हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर, अब देखिए, ठीक है, अब इसके अंदर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट एक्सिस हमारी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक कंसंट्रेशन यहाँ पे शो करेंगे, ये मैंने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो टी है वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस है, तो इसको मैंने टाइम को यहां पर शो कर दिया, दैट्स इट। ये चीजें डिफाइन होने के बाद अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम, जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें कंसंट्रेशन भी आता हो और टाइम भी आता हो, वो आपको याद होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन की थी, क्या था, के टी इक्वल ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे लिखी हुई है, दिख रही है सबको, यस सर, है ना। तो ये हमें इक्वेशन की थी। अब इसमें हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन, यानी कि ए। अब या एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जब भी वो कंसंट्रेशन बोलेगा, कंसंट्रेशन हमारे पास दो दो होती है, एक होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक होती है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, है ना। कौन सी लोगे, कंसंट्रेशन एट टाइम टी वाली लेनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, ये चीज याद रखना। ग्राफ में सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा होगा तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी की बात कर रहा हूं, क्लियर है, यस सर, है ना। अब आगे देखो, हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन हमारा वाई एक्सिस पर है, तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, उस इक्वेशन के हिसाब से हमें उसे फिट करना है। तो कैसे फिट करेंगे, तो यहाँ आपके सामने कंसंट्रेशन को देखो, ये रही कंसंट्रेशन एट टाइम टी वाली, इस कंसंट्रेशन को इस तरफ ले आओ, ये प्लस की होगी, केटी को दूसरी तरफ ले आओ, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल ए नॉट माइनस केटी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें, अब बस इसको पलट के लिख दिया मैंने, के टी को इधर लिख दिया, ए नोट को उधर लिख दिया, वैसे ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट हमें एम एक्स वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के हिसाब से इसे सेट करना था। तो ये तो वाई एक्सिस पर आएगी कंसंट्रेशन, मैं पहले से लगा चुका हूँ, और ए नोट जो है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब इंटरसेप्ट एट एक्सिस वाई, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, यानी यहां पर टच करेगा वो, कहां से शुरू होगा ग्राफ, सी का मतलब होता कॉन्स्टेंट, वो फिक्स पॉइंट है जहां से ग्राफ शुरू होगा। ये बात क्लियर है सबको, यस सर, है ना। तो यहाँ y सीधा सीधा जहां से ग्राफ शुरू होने वाला है, तो यहां से अगर मान लीजिए ग्राफ शुरू हो रहा है, दैट इज वो c है, ठीक है। इंटरसेप्ट y एक्सिस के ऊपर बोलते हैं। तो देखो t तो x एक्सिस पर हो गया, ये मैं पहले से t लिख चुका हूँ x एक्सिस पर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और k माइनस का k, दैट इज स्लोप, ये है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ द लाइन देखो, अगर m की वैल्यू
एम जो है अगर प्रो पॉजिटिव हो तो ग्राफ जाता है टीचर के क्लिक की तरह, टिक्का, ठीक, जिसको ठीक बोलते हैं ना हम, टिक लगाते हैं ऐसे, टीचर्स ऐसे लगाते हैं, सही है ये, राइट। तो टीचर के क्लिक की तरह ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। अगर एम की वैल्यू माइनस हो, यहां मैंने मेंशन कर रखा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। यस बेटा, क्लियर है ये बात भी? यस सर। यहाँ के की वैल्यू माइनस है, ए नोट की वैल्यू हमने फिक्स है, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर ए नोट की कहीं पर भी वैल्यू लगा दो, ये जरूरी नहीं कि ऊपर कहाँ लगानी, क्योंकि इसने पॉइंट तो कोई दे नहीं रखा। तो किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, सीधा नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव के इज द स्लोप, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई? जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ वाई को एम एक्स सी के हिसाब से कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ है। कोई भी ऐसा ग्राफ मिल जाए आपको, आप अपने आप बना सकते हैं, बना सकते हो सभी? यस यस सर, है ना, क्लियर है ये तो सबको? यस सर। ठीक है, तो अब जरा आगे देख बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई, हाफ लाइफ करने वाले हैं अब हम, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हम हाफ लाइफ करने वाले हैं जीरो ऑर्डर का। तो देखिए जरा हाफ लाइफ में क्या होता है, ठीक है? आपको ग्रीन कलर इसमें बिल्कुल सही दिखाई देता है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, हाँ यही चीज पूछनी थी। और पीछे वाले स्लाइड के अंदर येलो कलर भी अच्छा साफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, येलो रेड में कोई दिक्कत नहीं है ना? नाटक करवा दिया था लास्ट क्लास में, हाफ लाइफ बता दी। हाफ लाइफ करवा दी थी क्या मैंने? Yes. कोई बात नहीं, ये करवा दी थी तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो भाई, ए नोट की जो कंसंट्रेशन है, यानी टाइम टी, टी हाफ कब होगा, इसका मतलब क्या है? 50% टाइम, 50% रिएक्शन पूरी हो चुकी है। जब भी टाइम की बात आएगी तो टाइम का मतलब 50% रिएक्शन पूरी हो चुकी है। ए नोट बाई टू आ जाएगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंसंट्रेशन आ जाएगा। ए, ए मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, ए टी। के क्या होता है, के टी इक्वल ए नोट माइनस ए था, तो के इक्वल आ गया 1/T, ए नोट माइनस ए, ये सीधा सीधा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्दर टी इक्वल 1/K ए नोट माइनस ए आ जाएगा। टी हाफ क्या आएगा भाई, यहाँ ए की जगह पर ए नोट बाई टू पुट कर देंगे, दैट्स इट। ए नोट में से ए नोट बाई टू माइनस करेंगे तो ए नोट बाई टू ही बचेगा, ए नोट बाई टू डिवाइड बाई के, तो टी हाफ आ जाएगा ए नोट डिवाइडेड बाय 2K। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये करवा दिया था तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ग्राफ है भाई इसका टी हाफ वर्सेस ए नोट का ग्राफ है, टी हाफ वर्सेस ए नोट। तो ये ग्राफ अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ हमें मत्था नहीं मारने की जरूरत है। टी हाफ का फॉर्मूला बस लिख दो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या कहता है, टी हाफ इक्वल ए नोट बाई 2K। अब इसने बोला टी हाफ वर्सेज ए नोट, सिर्फ ए नोट का ग्राफ है, तो बाकी सी कहां गया भाई इसमें? वाई इक्वल एम एक्स सी प्लस सी के हिसाब से वाई तो आ गया टी हाफ, एक्स जो है वो ए नोट है, और एम की वैल्यू क्या है, देखो एम है 1/2K। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना, और सी, सी इसने दिया ही नहीं है तो मतलब जीरो है, जीरो है, है ना। तो इसका मतलब हम ग्राफ को जीरो से स्टार्ट करेंगे, एम की वैल्यू पॉजिटिव है, 1/2K पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए टीचर के क्लिक की तरह जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्स्टेंट जीरो, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू उसने दी नहीं, तो दी नहीं तो जीरो है। स्लोप पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव स्लोप का मतलब समझ गए ना, ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। यस, क्लियर है सबको? यस बेटा, यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बनाने आने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए ये सिस्टम आपको। नेक्स्ट देखो, जीरो ऑर्डर एट टाइम 100%। 100% का मतलब यानी कि पूरा टाइम बीत चुका है, रिएक्शन पूरी खत्म हो चुकी है, यानी ए जो था, ए और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम टी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म हो गए, है ना। तो जीरो ऑर्डर क्या था, के टी इक्वल ए नोट माइनस ए टी, जीरो टाइम, ए टी के ऊपर टाइम हो जाएगा जीरो, 100% टाइम, यानी रिएक्शन पूरी खत्म हो चुकी है। के टी 100, यहां इसको मेंशन कर रहा हूं, के टी 100 इक्वल क्या आएगा, ए नोट माइनस ए, जीरो, एक ही जगह जीरो पुट कर दिया, के टी 100 इक्वल ए नोट, 100% क्या आएगा, ए बाय ए नोट बाय के। 50% क्या था, टी हाफ क्या था, ए नोट बाय 2K, ए नोट बाय 2K, और टी 100% क्या हो गया, बस 2 से को कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं है, बस ये है, अकेला के रह गया, 2 को कैंसिल कर दो तो ये बन गया 100%, और अगर 2 को लिख देते हो तो ये, that's it, 50%। क्लियर है? यस सर। अब एक चीज याद रखना, ये जितने भी ये छोटे-छोटे फॉर्मूले आ रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले और इनके छोटे-छोटे ग्राफ हैं, इसका आप लोग नोट्स बना के ना, एक लेसन के नोट्स बनाइए,
दिस इज नॉट द नोटबुक, नोटबुक नहीं, एक लेसन के अलग से नोट केमिकल काइनेटिक, ठीक है, और उसके नोट्स को 10 पेजेस में या 5 पेजेस में जितने भी वो सम अप हो रहे हैं उनको सम अप कीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूलाज, ये बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक लेवल है। फिर इन फॉर्मूलाज में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ कुछ नए फॉर्मूलाज से एडिट होते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्टकट टाइप में, फिर उनको वहां पर ऐड कर लीजिए कि ये भी होता है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब वो समझ में आएगा। ऐसे करके इस लेसन के तो नोट्स आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज और लॉट्स ऑफ ग्राफ्स हैं, प्रॉब्लम यहां पर ग्राफ की है, नॉट ओनली जस्ट फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखो, जीरो ऑर्डर एट टाइम 3/4, सबसे टिपिकल वाली प्रॉब्लम है ये 3/4 वाली, ठीक है। अब ये देखो, इसको टिपिकल बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं पता है, सबसे पहले तो यही नहीं पता लगता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 75% रह गई या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 75% बन गई, ये समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? यस सर। तो मुझे बताइए 3/4 टाइम का मतलब क्या है? सर 3/4 75% कंज्यूम हो गए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 75% खत्म हो गए, कंज्यूम हो गए, ठीक है, ये याद रखना। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने बने फिर? 75% प्रोडक्ट 75% बन गए, रिएक्टेंट 75% कंज्यूम हो गए, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 75%। तो रिएक्टेंट बचा कितना? 25% है ना, ये बात सबको समझ में आई? यस सर। तो क्वेश्चन में, अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में जब भी कोई बंदा आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रहा है तो वो टाइम क्या देगा, कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये टाइम देगा आपको। ये समझ में आ गया सबको? कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये टाइम दिया होता है हमेशा। तो उसने बोला टाइम 3/4 है, इसका मतलब अगर मैं 3/4 का मतलब 1 में से दिया होता है, 1 का 3/4 हिस्सा, तो 100 का कितना हिस्सा है परसेंटेज निकालने के लिए, सीधा आपके पास 75% आ जाएगा। इसका मतलब 75% क्या है, रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, टी मतलब टाइम 75% खत्म हो चुका है, बचा नहीं है, खत्म हो चुका है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, इसलिए मैं थोड़ा इसको फोर्सफुली बोल रहा हूँ। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। खत्म हो चुका है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का एंड कितना हो चुका है, 75%। तो 75% एंड हो चुका है, तो अब देखो जरा, ये था जीरो ऑर्डर का एक ही फॉर्मूला था, KT equal A0-A। अब यहां पर KT 75% का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट 75% खत्म हो गए, है ना, तो प्रोडक्ट कितने बने, 75% खत्म हो गए, प्रोडक्ट भी 75 बने, अब रिएक्टेंट बचे कितने, 25%। क्लियर है? 25, ये बात क्लियर है ना? तो एट टाइम टी, ये देखो एट टाइम टी, ये वाला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 25%, ये 25% होना चाहिए, यस और नॉट? यस सर। तो यहां मैंने क्या लिखा, ए नोट बाय 4, 25% का मतलब 1 में से कितना, 3/4 के हिसाब से निकालना है, फोर्थ हिस्सा, ये चौथा हिस्सा रह गए, ठीक है, यानी कि ये चौथा हिस्सा रह गया किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का चौथा, तो इनिशियल डिवाइड बाय 4 कर दिया। ये समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? यस सर। Yes, है ना, तो इनिशियल डिवाइड बाय 4 आ गया चौथा हिस्सा, क्योंकि ये बच गए थे एट टाइम टी, 25% रह गए थे, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का 25% आ गए, अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो, है ना, परसेंट में 25% आएगा। अब देखिए आगे, KT 75% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया, ये A4A आएगा माइनस वे, यानी कि 3/4 A0, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, कि यहां पर हमने जो लिया और यहां पर जो लिया था ये सिमिलर आ रहे हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि रिएक्टेंट खत्म हुआ था या प्रोडक्ट खत्म हुआ था, इतना टाइम 25% बचा था या टाइम 75% बचा था, ये कंफ्यूजन आती है, क्योंकि ये आंसर भी वही आ रहा है वैसा ही। समझ में आ गया सबको? यस सर। इस वजह से ज्यादातर बच्चे मौके पर टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, बस एक ही चीज का रट्टा लगाना है, क्या कि ये फिनिश जितने रिएक्टेंट खत्म हो गया टाइम टी में वो लेने लेते हैं हम। तो ये 3/4 यानी कि टी 75% आ जाएगा 3/4 A0, ए नोट का 3/4। अब सीधा सीधा यहां से टी 75% डायरेक्ट निकालना चाहूं, 3/4 A0/K को इस तरफ ले आया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3/2K, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, A/2K क्या था, A0/2K हाफ टाइम, हाफ लाइफ, तो A0/2K को, इतने को मैं हाफ लाइफ लिख दूं कि ये लो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर की, और बाकी क्या बचा, 1.5। यस यस सर।
तो 1.5 या 3/2 1.5 होता है, यानी कि अगर आप 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और वो जीरो ऑर्डर है तो उसका हाफ टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 से, सीधा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। 100% टाइम क्या था हाफ टाइम के हिसाब से? 2 ऑफ ए नॉट बाय 2 के था, ये तो ये था, और ए नॉट बाय 4 के भी था कुछ, कुछ था क्या? नो सर, नहीं था। क्या था भाई? मैं बोल रहा था ना कि 2 लगा दो, ए नॉट बाय के है, 2 लगा दो तो हाफ टाइम बन गया, ऐसा कुछ बोल रहा था मैं अभी, मेरे को तो कुछ याद आ रहा था, रुको देखते हैं। ए नॉट बाय के 100% के लिए बोल रहा था, हाँ मैं भी घूमे को कुछ याद आ रहा था। देखो ए नॉट बाय के 100% है ना? Yes, ये है? तो ये 100% के लिए ए नॉट बाय के है, और 75% के लिए ए नॉट हाफ टाइम का मतलब 1.5 है, और हाफ टाइम के लिए ए नॉट बाय 2 के है। 100% के लिए 2 को हटा दो, ये 100% बन गया, ठीक है। और अगर 75% निकालना है तो 75 के लिए आप 1.5 को हाफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इस तरह से आपको आपस में एक दूसरे के रिलेट करके याद होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना, हो जाएंगी सबको ये लर्न, ये लर्न करनी है अच्छे से, और इनके फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। अब भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। हाफ ऑर्डर का हमने देखो जीरो ऑर्डर, ये टाइम वो टाइम सारे टाइम भी निकाल लिए, अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करने से पहले इसके अंदर आप लोग एक छोटा सा मुझे वो करके दिखाओगे। 30% टाइम, टी की वैल्यू 30% है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, नोटबुक पेन है सभी के पास अभी क्या? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे? यस सर। यस सर। सबके पास है, ठीक है। तो फिर मेरे को सॉल्व करके दिखाओ किसके लिए, 30% के लिए। ओके चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, टी जो है वो 30% है, सेम इक्वेशन यूज करनी है, बस के टी 30% विल बी इक्वल ए नॉट माइनस, यहाँ क्या आएगा ये अब आपको सोचना है। सर 3a0/10 के आएगा आंसर, 3a0/10 के। यस सर, ये आंसर आएगा। चलो ठीक है, बाकी बच्चों ने निकाला? सर एक मिनट, हाँ सॉल्व करो। आपने ये क्या भरा प्रणव बेटा? सर हमारा टी टाइम पे 70% कंसंट्रेशन होगी ना उसकी? हाँ हाँ, टी टाइम पर 70% कंसंट्रेशन होगी इसकी, 30% कंज्यूम हो चुका है ए, ठीक है। तो बचा कितना? 70%। तो यहाँ ए एट टाइम टी जो है, यहाँ पर ए एट टाइम टी 70% आना चाहिए, तो उसके लिए क्या भरा आपने? 7/10। यस सर, 7/10 ऑफ ए नोट है ना, 7/10 ऑफ ए नोट, ये आएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, अब तो इसको सिर्फ सॉल्व करना। 10 ए नोट माइनस 7 ए नोट, 3a0/10 के नीचे आ जाएगा, और t 30 आ गया, बस that's it। yes बेटा, सभी का सॉल्व हुआ? यही आ रहा है सबका, सॉल्व हो गया ना, किसी का नहीं सॉल्व हुआ, सबका सॉल्व है, ठीक है। yes, sir। तो इसको करवाने का मतलब क्या था कि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ना सर ने तो गिने गिना ऐसे 75% करवा दिया, 50% करवा दिया, बस खत्म कर दिया, है ना। कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई भी, आपको खुद मत्था मारना है उस पर, खुद कीजिए, कोई सॉल्व नहीं हो रही है मेरे पास भेजिए। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि अब मान लो कि मैं ये कहूं कि सपोज 37% है, इसके लिए ए की वैल्यू क्या भरोगे? यही इंपॉर्टेंट है, पता है? 37% टाइम है, टी, टी इक्वल 37% टी है। 37 ए नॉट बाय 100 के। क्या बेटा? सर 80 तो 63 ए नॉट हो जाएगा ना, 63% आएगा। यस सर, मतलब 63/100 ए नॉट हो जाएगा ना, 80। 80 की वैल्यू, हाँ ये कह सकते हो, 80 जो है वो 63/100 ए नॉट। Yes, ऐसा लिखोगे? यस yes, तो प्रणव बेटा आप क्या बता रहे थे? सर 37 ए नॉट बाय 100 के। तो दोनों में से सही क्या है? नहीं सर, मैं पूरा आंसर बता रहा था ना, इन्होंने तो कंसंट्रेशन बताई है टाइम टी पे। आप आंसर बता रहे थे क्या सीधा?
यस सर। सब माइनस करके हाँ आ हंड्रेड में से जाएगा वन माइनस करेंगे, ठीक है ये आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। इस तरह की कंसंट्रेशन का टाइम भी आप निकाल सकते हो, नो वरी। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके सारे फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, के टी इक्वल ए नोट माइनस ए। हाफ टाइम तो देख के बना लोगे ना, और बाकी परसेंटेज वाले टाइम भी बना लोगे, बट एटलीस्ट हाफ टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ए नोट बाई टू के, और 100% का ए नोट बाई के, ठीक है, और 75% का ए नोट बाय वन, और नहीं क्या होता, 1.5 × ½ टाइम। क्लियर है? यस सर। वैसे करके, ठीक है, तो वैसे भी आने चाहिए और वैसे भी आने चाहिए, दोनों फॉर्मूले दोनों तरह से आने चाहिए, याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन्होंने मतलब कितना सिंपल करते हैं ये लोग, ए को प्रोडक्ट बना दिया ना, तो ए प्लस बी लिया, सी प्लस डी बनाना तो दूर की बात है, सिर्फ ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं ये लोग, सिर्फ ए से। सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन के लिए देखा जा रहा है, ठीक है, हायर क्लासेस में जैसे बीएससी के अंदर, बीएससी सेकंड ईयर में केमिकल काइनेटिक्स आती है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, सी और रिएक्टेंट हैं, फिर एक प्रोडक्ट है, फिर दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, ऐसे करके भी डेरिवेशन होती हैं इनकी, और बड़ी बड़ी लंबे लंबे फॉर्मूलाज होते हैं उसमें। क्लियर है? तो वैसे भी आता है। अब एक चीज बताता हूँ आपको, मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला करवाऊंगा, इस लेक्चर में शायद नहीं होगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम वो करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल फॉर्मूला मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सब पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला तो आपको ज्यादा ध्यान से करने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी के फॉर्मूला शायद आप एक फॉर्मूला याद रखने से बना सकते हैं। एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो सारे अपने आप याद हो जाएंगे, पर फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं जब प्रैक्टिस मिस हो जाती है, तो आपको वो ध्यान से ढंग से करना है। क्लियर है भाई? तो ए ये फर्स्ट ऑर्डर वाला तो अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, ए माइनस एक्स, या फिर हम कह सकते हैं ए टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है। ए माइनस एक्स क्या होता है, ए टी होता है, ये याद है, पहले यस पिछले सर। लेक्चर में मैंने करवाया था ए माइनस एक्स। फिर से बताऊं क्या, एक्स क्या चीज होती है, परसेंटेज परसेंटेज होती है सर। होती है प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी होता है एक्स बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, एक्स। ए होता है ए नोट, इक्विलिब्रियम लेते हैं क्या बेटा, सर, इक्विलिब्रियम में भी ऐसे लिखते हैं ना कंडीशंस, मतलब हाँ इक्विलिब्रियम में भी कुछ कुछ वैसा कुछ, कई चीज कई जगह पर ऐसा कुछ करते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी होता है एक्स। तो ए माइनस एक्स क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब ये रिएक्टेंट क्यों आ जाएगा, थोड़ा आपको इसका ना अंदर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। ए होता है ए नोट, ए नोट में से अगर एक्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी आएगा। कैसे, ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। मान लो कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100% थी, नो डाउट, है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ टाइम टी के ऊपर, मान लो कि प्रोडक्ट जो है 30% बन गया, क्लियर है, यस सर। तो रिएक्टेंट कितना बच गया भाई, 70% बच गया ना एट टाइम टी, सीधा आ रहा है, तो 100 − 30 = 70%, यस, क्लियर है। तो यस सर। इसको एग्जाम्पल से करना बहुत आसान है, अगर एक्स में कहीं गड़बड़ हो जाए तो बस एग्जाम्पल ले लेना, अपने आप परसेंटेज का आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है। इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, डीएक्स बाई डी टी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर चेंज पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना, एक्स बाई टी लिख सकते हैं, डीएक्स बाई डी टी आ जाएगा अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। अब आगे देखिए, इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने, डीएक्स बाई डी टी और ए माइनस एक्स, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के लगा दिया प्रोपोर्शनैलिटी साइन, बस बन गई इक्वेशन। हाँ तक क्लियर हो गया सबको, यस सर। यानी ये आपको, रेट कांस्टेंट है ना, रिएक्शन कांस्टेंट। हाँ, ये रेट कांस्टेंट है बेटा, ठीक ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, क्लियर है, यस सर। बस इतने में समझो अपना आंसर आ गया। अब इसी को हमें घुमाना और कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करना, डीएक्स बाय ए माइनस एक्स को, देखो ये ए माइनस एक्स है, इसको मैं नीचे ले आया, डीटी को ऊपर ले गया, ठीक है। तो ऐसा करने पर मेरे पास
नेक्स्ट इक्वेशन सामने आ गई, ए ए माइनस एक्स को इधर ले आया, डी टी को उधर ले गया, के डी टी बन गया ये, ठीक है, डी एक्स बाय ए माइनस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लग गया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन को ओपन करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास डी एक्स बाय ए माइनस एक्स का ए नेचुरल लॉग माइनस का ए माइनस एक्स बन गया, प्लस में के टी आ गया, प्लस में इंटीग्रेशन के लिए जो कॉन्स्टेंट लगता है आई आ गया। अब आई की वैल्यू निकालनी हमें एट टाइम टी, टी अगर जीरो होता है, टी की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो भरेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया, क्लियर है। तो यानी ए माइनस एक्स, एक्स जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आएगी भाई, जीरो, जीरो आएगी ना, तो प्रोडक्ट जीरो भर दिया, तो नेचुरल लॉग ये हमारे पास सीधा सीधा, और यहाँ पर इसको भी जीरो पुट कर दिया, तो नेचुरल लॉग ए माइनस का इक्वल आ गया आई के। आई की वैल्यू समझ में आ गई कहां से आई? यस सर, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब आई आने के बाद आई की वैल्यू उसी इक्वेशन में भर देंगे हम, तो नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स के टी, और यहाँ पर हमारे पास आई था, प्लस में आई था और उसकी वैल्यू आई माइनस नेचुरल लॉग ए, क्लियर है। Yes, ये पुट कर दी मैंने। एक चीज बता देता हूँ, देखो ये वाली डेरिवेशन डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वहां पूछ लेते हैं, बट आईआईटी जेई में नहीं पूछता कोई, सीधी बात, ठीक है। तो डेरिवेशन एक बार कीजिए, याद कीजिए, आपको याद हो जाएगी, नो वरी। फिर भी अगर याद नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी बोल रहा हूँ मुझे चाहिए फॉर्मूले, और वो भी फिंगर टिप्स पे, सीधी सी बात है, डेरिवेशनों से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, डेरिवेशन तो और कई तरीकों से भी मिल जाती होती है कई बार, सीधा यही मेथड नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है। ये इस तरह के मेथड्स तो एनसीईआरटी वगैरह में दे रखे हैं, ठीक है, वहां से इजीली आप कर सकते हैं, बट कोई और मेथड कहीं और से भी मिल जाएगा, कई तरह के मेथड्स टीचर्स ने डेवलप कर रखे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, के टी इक्वल, तो हम यहाँ पर अब के टी की वैल्यू निकाल लेंगे, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, और नेचुरल लॉग ए बन जाएगा, नेचुरल लॉग ए जो है ये इस तरफ चला गया था, ठीक है, और इस तरफ जाएगा तो ये तो हो गया प्लस का, के टी इधर रह गया तो के टी प्लस का ही रह गया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट देखिए, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए, मैं इसको प्लस वाले को इधर ले आया, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स है, तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ए माइनस एक्स ए टी होता है, मैं इसको ए टी पुट कर रहा हूं बस, तो के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट, ए की जगह पर ए नोट भर दिया, ए माइनस एक्स की जगह ए टी भर दिया, क्लियर है? यस सर। ये बन गया फॉर्मूला, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। यस गाइस, क्लियर है बेटा? जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था पता है? के टी इक्वल ए नोट माइनस ए, ए टी लगा लो, यही था। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है? के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए टी, बस नेचुरल लॉग लगाना ए नोट और ए टी के सामने, बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर, सबको समझ में आ गया ना, दोनों के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। एक और यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उससे ना फर्स्ट ऑर्डर का नहीं निकलता, दैट इज द प्रॉब्लम उस फॉर्मूले के साथ, बाकी सारे निकल जाते हैं, ठीक है। फिर हम एक प्रेशर वाला भी करेंगे, एक प्रेशर वाला अलग से डेरिवेशन होती है, ये तो कंसंट्रेशन की टर्म्स है ना, एक प्रेशर की टर्म में आएगा, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया समझो, सेकंड ऑर्डर आ गया। अब मैं सेकंड ऑर्डर की कोई डेरिवेशन नहीं आपके सिलेबस में, और ऑब्वियस है डायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है, और थर्ड ऑर्डर सीधा निकाल सकते हो, एक ही फॉर्मूला करवाऊंगा उससे डायरेक्ट, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कितना भी निकालो, लेकिन हायर ऑर्डर जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, याद है ना, ठीक है। थर्ड ऑर्डर तक जाती है रिएक्शन, थर्ड तक जनरली चली जाती है, थर्ड भी आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक है। तो फर्स्ट ऑर्डर हम कर चुके हैं, जीरो ऑर्डर कर चुके हैं, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, डेरिवेशन है नहीं, ठीक है, और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी बताऊंगा जो थर्ड ऑर्डर को भी अपने आप कवर कर देगा, क्योंकि आईआईटी वाले ये जो जेई वाले हैं ये कभी कभी ऐसा कर लेते हैं एडवांस लेवल में, थर्ड ऑर्डर का सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कुछ छोटा मोटा घटिया लेवल का ग्राफ पूछ सकते हैं, तो वो ग्राफ आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के भी ग्राफ बता देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए भाई, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, के टी इक्वल नेचुरल लॉग, ये तो पता होगा ना, लॉग और नेचुरल लॉग वाले रूल थोड़े से, यस सर, माइनस में तो ये डिवाइड में होते हैं, क्लियर है? यस सर। यस, ये सबको पता है? यस सर। यस सर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखिए जरा, के टी इक्वल, अब ये नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग ए नोट बाय पी ए टी लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया। अब देखो यहाँ इन्होंने एक कमाल किया, इस पूरी इक्वेशन का एंटी लॉग कर दिया,
एंटीलोग, तो एंटीलोग करेंगे एंटीलोग केटी इक्वल डायरेक्टली, और नेचुरल लोग का किया है इसका, इस इक्वेशन का किया, इसका नहीं किया बीच वाली का, कहीं आप ये सोचो सर 2.303 कहां गया, इसको इसका सीधा एंटीलोग कर दिया नेचुरल लोग से एंटीलोग, तो नेचुरल लोग से एंटीलोग ही, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ये एंटीलोग के लिए यूज होता है, क्लियर है? यस सर। एक्सपोनेंशियल की पावर लिख रखा मैंने केटी, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पावर है, ये बात दिख रही है सबको, समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, आप इसको मल्टीप्लाई मत समझना, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर मतलब इसका एंटीलोग हो गया तो नेचुरल लोग का एंटीलोग होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, वन आ जाएगा यहाँ, तो ए नोट बाई एटी सीधा यहाँ से सीधा यहाँ, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। इसको थोड़ा इन्होंने और मॉडिफाई किया, क्या किया कि केटी के आगे माइनस लगा दिया और इसको पलट दिया, ए बाय ए नोट कर दिया, ठीक है? फिर से क्या किया इन्होंने, अब देखो ए नोट को इस तरफ ले आए मल्टीप्लाई में, ए ई की पावर नेगेटिव केटी इनटू ए नोट इक्वल आ गया ए, यस क्लियर है? यस सर। तो देखो इस फॉर्मूला से इसे बना सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव टू नो दैट ऑल, ठीक है? ये सारे पता होने चाहिए, जो बॉक्स कर रखे हैं वो रट्टा मार लेना, बस सीधी सी बात ये है, क्लियर है सबको? ये जो माइनस केटी वाला ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता होता है, ठीक है? मेंस लेवल में बहुत कॉमनली आता है माइनस केटी, इसकी कोई पावर दी होती है एक्सपोनेंशियल की, के की वैल्यू दे देता है वो, टी की वैल्यू नहीं देता, ठीक है? ए बाय ए नोट की वैल्यू दे देता है, बोलता है टी की वैल्यू निकालो, देख के निकल जाती है वो, पता देख के ही, सॉल्व नहीं करना होता बड़ो, देखने में बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन लगता है वो, क्वेश्चन अगर सामने आया तो हम जरूर करेंगे, वरना एडवांस लेवल पे तो आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता होता पक्के तौर पर। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर ली, ठीक है? एक और छोटी सी डेरिवेशन और आएगी, इसके बाद में सीधा आप लोग पहले 10 न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक के करने वाले हो, एनसीईआरटी वाले, 10 नहीं तो 7 कर लेना, 7 तो मैं कह ही रहा हूँ, 7 वो और 3 क्या कह रहा हूँ एडवांस लेवल, बट अगर आप एडवांस लेवल टच नहीं करते हो तो आपको 10 न्यूमेरिकल करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है? और साथ में जैसे प्रणव बोल रहा था कि सर मेरे पास छुट्टियां हैं, मैं अभी टाइम है मेरे पास, तो अगर आपके पास टाइम है तो 5 न्यूमेरिकल जैसे थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम, इनके ऊपर क्वेश्चन एडवांस लेवल में आता ही आता है प्लस 1 के, ये लेसन मोल कॉन्सेप्ट सबका अच्छा है ना, मेरे को पहले ये बताइए, प्रणव अंजलि हरलीन श्रेया अंशिका बेटा, मोल सबका अच्छा है ना, मोल पे तो किसी को कोई मत्था मारने की जरूरत नहीं है, नो सर, ठीक है? मोल अच्छा होना चाहिए, भी मोल तो चाहिए हर लेसन में, फिर भी किसी को मोल अच्छा नहीं है तो पहले मोल वाला लेसन उठा लेना, उसको फेयर कर लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और अगर किसी को बिल्कुल भी मोल नहीं आता है तो हम शुरू से उसको मतलब आधा घंटा कभी लगा सकते हैं, मोल आप पूरा कर लेंगे, नो वरी, ठीक है? अभी हमारे पास मच एवर टाइम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ धीरे धीरे कीजिए, लेकिन हर रोज का काम हर रोज जरूर कीजिए, भागने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से चेंज कर लेंगे, मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं, ठीक है? और याद रखना मेरे प्लान्स को, ये मैं आपको साफ बोल देता हूँ, मेरे प्लान्स को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग जितने स्टूडेंट पढ़े हैं वो मेरे प्लान्स को बेस्ट एवर प्लान्स बोलते हैं, आज वो कामयाब है बहुत सारे लोग, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, एक इंसिडेंट बताता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई शुड हैव टू नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आए ये जरूरी नहीं है क्योंकि पेपर आपको देना है, बट केमिस्ट्री में मुझे आना चाहिए, आई नो दिस, ठीक है? बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को सुनना जरा ध्यान से, मेरे पास एक लड़की पढ़ती थी एमएससी फाइनल ईयर में, ठीक है? एमएससी फाइनल में केमिस्ट्री, एमएससी फाइनल कर रही थी वो केमिस्ट्री से, यूनिवर्सिटी टॉपर थी, प्रीवियस ईयर का पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर, दूसरे सेमेस्टर में मैथ आ गया, पहले सेमेस्टर में मैथ आया और यूनिवर्सिटी टॉपर थी, लेकिन मैथ होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट, बट उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, मार्क्स ऐड नहीं हुए इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको टॉपर आ गई, बट मैथ में हो गई फेल, क्यों? अब रीजन बता देता हूं, मुझे मैथ नहीं आता, मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, क्लियर है? तो मेरे को मैथ नहीं आता था भाई, उसको एमएससी में मैथ में कहां से पढ़ा दूं जबकि मैथ आता ही नहीं है, तो मैं बाकी के सब्जेक्ट तो पढ़ाता था लेकिन मैथ नहीं पढ़ाता था, मैथ उसे बोलता था बेटा लास्ट ईयर का कोई पेपर देख ले और आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो उसने शुरू में उसने सीरियस नहीं लिया, मैथ नहीं पढ़ती थी वो, डेली का काम नहीं करती थी, मैं भी नहीं ज्यादा ध्यान देता था, मैं कहा मैथ तो हो ही जाएगा, पास ही होना है, 17 मार्क्स लेने हैं, 50 में से 17 नंबर लेने हैं, चलते गए, पेपर हो गया, रिजल्ट आया फेल, नंबर आए 11 या 12, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यूनिवर्सिटी में टॉपर थी वो लड़की, फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी यूनिवर्सिटी में जितने अंडर कॉलेजेस आते हैं जिनमें भी एमएससी होती है सब में उसके हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन मैथ में फेल,
जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, अब वो तो देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर फिर से। अब मुझे मैथ तो अगले सेमेस्टर कौन सा, मेरे को मैथ आ जाएगा, लेकिन अगले सेमेस्टर मैथ थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा टाइट हो गया, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये तो करना पड़ेगा, डेली उसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सोल्व क्वेश्चंस, पहले बोलता था कि ये पढ़ के आना, थ्योरी पढ़ना, प्लस वन टू का मैथ पढ़ाया उसे, क्योंकि जस्ट जनरल करना था, थ्योरी पढ़ना, फिर सॉल्यूशंस मैं बोलता था कि सोल्व वाले क्वेश्चन करो, जस्ट सोल्व वाले, जो नहीं होता था मेरे पास लेके आती थी, ये नहीं हुआ मैं बोल देता था बेटा इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं जो हो रहे हैं वो करो। फिर एक्सरसाइज उसको करने के लिए बोलता था, डेली सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाता था। 6 महीने बाद दोबारा सेमेस्टर था, कितने मार्क्स की उम्मीद करते हो आप उससे जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि उस लड़की के पास भी बायोलॉजी थी, कितने मार्क्स आए होंगे 50 में से? 42 मार्क्स थे, 42, कुछ नहीं आता था, ना मुझे ना उसे, बस उसको बोला कि जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन वाला देख, तेरे को समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा सिर्फ वो कर, पहले वो किए एक बार मैथ का जितना भी उसका सिलेबस था सारा हो गया। फिर मैंने अब बोला दोबारा से प्रैक्टिस कर, जो नहीं हुए थे उनको उठा, उनमें से कुछ ही क्वेश्चन बचे थे जो उसको नहीं आते थे, लगभग सारे सॉल्व हो रहे। तीसरी बार फिर से सॉल्व करवा दिए और इस तरह से 42 मार्क्स आए 50 में से। मुझे मैथ आता ही नहीं था, बस उसको गाइड किया था, मैं जानता था कि सिर्फ 5 क्वेश्चन करने से बात बन जाएगी, और ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जबकि केमिस्ट्री तो मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, प्लस वन टू को भी कई साल से पढ़ा रहा हूँ, जेई नीट की तैयारी भी करवा रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है कि इसका एक्सपीरियंस तो मेरा वैलिड होगा ना, कि मैं आपको बोल रहा हूँ एडवांस लेवल फोकस करो, एडवांस लेवल फोकस करो, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वही जरूरी है। तो ये एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत पहले से है, ये याद रख सकते हैं, जबकि मैं एमएससी को मैथ पढ़ा रहा था वो तो एक्सपीरियंस जीरो था, और उसको भी सिर्फ गाइड किया, उसको बोलते हैं गाइड करना, समझ गए कि इतना करना चाहिए और इससे आपका काम बन जाएगा। वही चीज मैं आपको कर रहा हूँ कि देखो है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, मेरे करवाने से नहीं होगा, लेकिन आप अगर डेली हाथों से करते हैं, हैंड हाथ और नोटबुक से, तो आपको आने लगेगा, मेरे करवाने से नहीं आएगा, एक बार करवा दिया नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो इस चीज पे आप विश्वास कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कि ये एक्सपीरियंस डाटा बता रहा हूं आपको कि इतना कर लीजिए आसानी से हो जाएगा, डोंट बोदर योरसेल्फ। लेकिन अगर लास्ट में आके आपने बोला कि सर हमारा तो सारा ही रह गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में ना आप कर सकते ना मैं करवा सकता हूँ, समझ गए ना, क्लियर है सबको। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज हमारे हो चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए। अब एक और फॉर्मूला आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहता है भाई, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, KT इक्वल नेचुरल लॉग A नॉट माइनस नेचुरल लॉग A T, क्लियर है। अगर टाइम T1 लें, दूसरा टाइम T2 लें, तो AT के अंदर A1 हो जाएगा और AT दूसरा A2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, दो अलग अलग टाइम पर एक ही रिएक्शन को मैंने, एक ही रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसके दो अलग अलग टाइम पर मैंने कंसंट्रेशन मेजर कर ली। ऑब्वियस है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कुछ और मिलेगी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिलेगी, यस और नॉट? यस सर। दोनों पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर लगा दी, तो KT1 यानी कि जब टाइम वन था, मतलब मान लो 5 मिनट पर मैंने टाइम देखा, तो KT यानी यह टाइम जो है 5 मिनट है, ठीक है। फिर नेचुरल लॉग A नॉट, इनिशियल तो उतनी रहेगी, सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और नेचुरल लॉग माइनस में A1 आ गया। सेम एज इज KT2, नेचुरल लॉग A2 आ गया माइनस में। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, KT1 माइनस KT2 आ जाएगा नेचुरल लॉग A नॉट, ये रहा नेचुरल लॉग माइनस का A1, ये रहा, ठीक है। फिर ये वाला नेचुरल लॉग A नॉट, ये फिर से आ गया। फिर नेचुरल लॉग माइनस A2, ये आ गया। तो A नॉट से A नॉट कैंसिल हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, समझ में आ गया। बचा क्या, नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1, तो नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1, ये बच गया। KT T1 और K को कॉमन निकाल लिया, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग A2 डिवाइडेड बाय A1। क्लियर है भाई, समझ में आए? यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आगे भी कुछ डिराइव करने वाले हैं। अब आगे देखिए, तो KT1 माइनस, तो ये A2 बाय A1 आ गया। फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, KT2 माइनस T1 कर दिया। ये देखो डिफरेंस, ध्यान से देख लेना, T1 माइनस T2 आ रहा था, यहाँ T2 माइनस T1 कर दिया, तो मैं A2 बाय A1 को A1 बाय A2 कर सकता हूँ, पलट जाएगा। ये लोग में ऐसा होता है, ये पता होगा ना सबको, माइनस कर दें तो रकम पलट जाती है लोग में, ये रूल होता है। यस सर। क्लियर है, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया। हाँ बेटा आगे देखिए, हमारे पास आ गया KT2 माइनस T1 इक्वल आएगा नेचुरल लॉग की जगह 2.303 लॉग A1 बाय A2। यस, क्लियर है भाई ये वाला फॉर्मूला सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। ये तब होता है जब
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैं आपको कंसंट्रेशन बता दूं। इसका क्वेश्चन देखो कैसे बनता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक केमिकल काइनेटिक की रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसके अंदर कंसंट्रेशन एट टाइम 10 मिनट पर कंसंट्रेशन थी 5 mol/L। फिर मैं बोलूं कि 15 मिनट पर कंसंट्रेशन जो है वो 5 mol की जगह 3 mol/L रह गई, ठीक है, कंसंट्रेशन बदल गई। और मैं बोलूं कि आपको के निकालना है तो सॉल्व कर सकते हो, के निकाल सकते हो? यस सर, सिंपल है ना। कैसे निकलेगा? के इक्वल देखो क्या आएगा, ये यहाँ P2-T1 10 मिनट फिर 15 मिनट, तो यानी 5 मिनट रह जाएगा ना यहाँ पे। इक्वल क्या आएगा, 5 मिनट के सेकंड बना लेना, सेकंड के हिसाब से चलता है वैसे, पर हम 5 सेकंड ही मान लेते हैं। चलो इसे 2.303 लोग, ए की कंसंट्रेशन थी A1 5 था, A2 कितना था 3, ठीक है, दैट्स इट, सॉल्व द एवरीथिंग। तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय 5 लोग 5/3। यस, क्लियर है भाई सबको? यस सर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट देखो भाई, अब ये क्लियर है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल कर लेना, वरना अगर आप लोग बोलते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी के, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्मूले इसमें काफी सारे आ गए हैं ना, तो हमें न्यूमेरिकल कर लेना चाहिए। क्लियर है? 10-12 न्यूमेरिकल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके बाद में देखते हैं इसको आगे। इसमें आगे भी आएगा कुछ मेथड्स आएंगे, ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाना, फॉर्मूला से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाना, है ना। तो इस तरह के कुछ 4-5 मेथड भी हैं, फिर अल्फा बीटा गामा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना, वो मेथड्स भी आएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक और फॉर्मूला सा, एक और छोटी सी डेरिवेशन आएगी, तो वो 2-3 चीजें और। क्या बेटा सर, अल्फा तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन, बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, बेटा इसमें वही अल्फा बीटा गामा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1-2-3 ऑर्डर निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा भूल गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। देखो ए ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, याद आया? यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये वो भी होता है। क्लियर है? या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई लेना देना नहीं है इस अल्फा से, ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको अल्फा बीटा भूल रहे हो तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर। तो एक फॉर्मूला के 10 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं असलियत में आप, पता है इसका मीनिंग होता है कि आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ देखिए लॉग ए वर्सेस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ बना रहे हैं, लॉग ए वर्सेस टी, तो लॉग ए और टी का ग्राफ है, ए डिपेंडेंट है, ए टी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पहला डिपेंडेंट होता है दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, बस याद रख लेना। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जब ग्राफ बनेगा तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, तो नेचुरल लॉग ए, तो देखो यहाँ तो लॉग है तो पहले तो इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, क्या करें, नेचुरल लॉग को कॉमन निकाल लिया, ए माइनस ए, ए नॉट माइनस ए, ये सेकंड वाला स्टेप समझ में आ गया ना सबको। थर्ड वाला स्टेप देखो, के टी इक्वल 2.303 लॉग ए नॉट माइनस ए, लास्ट में आएगा 2.303 को इधर ले आया, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। यस, ये समझ में आया बेटा सबको? यहां तक क्लियर हो गया? सर सेकंड स्टेप एक बार बताना। सेकंड ये वाला? यस सर, नेचुरल लॉग कॉमन, क्या मैंने गलत निकाल लिया क्या इसको? यस सर, नेचुरल लॉग कॉमन नहीं निकाल सकते ना। मैंने गलत दिया, मैं जब लिख रहा था ना तब मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और मैं आगे बढ़ गया, इसका स्लोप गलत आ रहा था असलियत में, तब भी इसका स्लोप गलत है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने गलत कर दिया, अब ये स्लाइड ही गलत हो गई, क्या करें इसका, तो सही दोबारा से करना पड़ेगा ना। चलो इसको सही करते हैं, ठीक है, मैं भी घूमा, मेरे से कुछ गलती हुई है, मेरे को लिख रहा था ना तब मेरे को समझ में आ रहा था मेरा ये स्लोप, मैंने कहा ये स्लोप नहीं आता यार। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, अगर यहाँ ठीक है इसको डिवाइड लगा देते हैं, ये डिवाइड आ गया, तो डिवाइड आने के बाद में 2.303 और ये डिवाइड ही रहेगा, ठीक है, ए नोट बाय ए,
फर्दर क्या आएगा भाई, ये नीचे आ गया लोग, इसको अभी तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सही है ना? यस सर। तो मतलब सिर्फ एक ही गड़बड़ थी, बाकी कोई गड़बड़ नहीं थी ना? या आंसर में गड़बड़ आएगी? मेरे को तो आंसर में भी गड़बड़ लग रही है। दोबारा चेक करो भाई, सभी बच्चे दोबारा चेक करो मैंने क्या गड़बड़ करी है, समझ में आएगा। नेचुरल लॉग आ गया, ए नॉट डिवाइड बाय ए आ गया, अगर इसको कॉमन निकालते हैं तो उसके बाद 2.303 लॉग बन गया, ए नॉट बाय ए आ गया, ठीक है ये भी सही है। फर्दर केटी ये डिवाइड में चला जाएगा और लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, ठीक है यहाँ तक सही है, सही है ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है शायद। तो देखो अब हमें क्या चाहिए था भाई, हमें तो लॉग ए चाहिए, तो लॉग ए रहा ये रहा, ठीक है लॉग ए, और उसके बाद में क्या चाहिए वर्सेस टी चाहिए, तो टी दूसरी तरफ होना चाहिए और इस लोग माइनस ए को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ गया लोग ए, ठीक है। और के टी, ये देखो लोग ए यहां पर है, लोग ए ये वाला है माइनस वाला, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये होगा प्लस, ठीक है, और के टी को इधर लेके जाऊंगा तो ये होगा माइनस, के टी बाय 2.303। यस बेटा समझ में आया ये? यस सर। ठीक है तो अभी देखो लोग ए हो गया वाई, एम क्या बना मेरा k by 2.303 माइनस का, और x क्या बन गया, x तो ऑलरेडी t है ही हमारा, है ना, वर्सेस t था, और a नोट क्या हो गया वो कंसंट्रेशन है, और वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है इंटरसेप्ट f y, समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। ठीक है कुछ और गड़बड़ है क्या? मुझे तो स्लोप में भी गड़बड़ लग रही थी, मेरे को लग रहा था कि मैंने शायद इसमें गड़बड़ की है, बट वो गड़बड़ वहां हो रही थी, है ना, लिखते टाइम मुझे फील हुआ था, बट वो कहते हैं ना फ्लो में बंदा लिखता जाता है कि नहीं सही लिख रहा हूँ, नो वरी, ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब जरा नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए भाई लोग ए वर्सेस टी का ग्राफ लगाएंगे, लोग ए इधर जा रहा है, लोग ए नोट जो है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट मैंने लगा दिया, स्लोप की वैल्यू 2.303 माइनस के बाय, तो माइनस में है तो नीचे की तरफ आएगा। यस बेटा क्लियर है ये ग्राफ, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है तो ओके अब आगे, ठीक है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर का सारा ग्राफ, क्लियर है ना, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ग्राफ समेत हमने ये कुछ कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कैसे करने वाले हो भाई, अब ये आप लोग खुद करने वाले हैं, हम थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे हाफ लाइफ की, ठीक है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये पेन बदलता हूं मैं, रुकिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे रहेगी अब जरा बताओ जी मुझे। सर वो जो हमारा टाइम वाला फॉर्मूला है ना, उसमें a टाइम t की जगह पे a नॉट बाय 2 डाल देंगे कंसंट्रेशन, kt इक्वल नेचुरल लॉग a नॉट माइनस a, माइनस नेचुरल लॉग a, ठीक है ये है फॉर्मूला हमारे पास, क्लियर है? यस सर। अब इसके अंदर चेंज करेंगे या दूसरे फॉर्मूले में चेंज करेंगे पहले तो ये बताओ। सर इसमें भी कर सकते हैं, अगर a नॉट बाय 2 डाल देंगे हम तो उसके बाद वो डायरेक्टली ये a नॉट अपॉन a नॉट बाय 2 आ जाएगा ना लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग निकालेंगे मतलब लॉग में भी चेंज कर सकते हैं। यस सर। हाँ पहले लॉग में चेंज करेंगे तभी ये कुछ निकलेगा, तो kt इक्वल 2.303 ये आएगा लॉग a नॉट डिवाइडेड बाय a, ठीक है अभी yes, इसको सॉल्व कर सकते हैं, at को हम a नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, किसको at को, क्योंकि हाफ टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन ये 1/2 टाइम आ गया, बिल्कुल बेटा सही है 2.303 लॉग। अब देखो a नॉट तो वही रहेगा, a को क्या लिख सकते हैं a नॉट बाय 2। यस सर। a नॉट डिवाइड बाय 2, अब a नॉट डिवाइड बाय 2 और a नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा log 2, log 2 1/2 इक्वल 2.303 लोग, लोग 2 आएगा वो 2 ऊपर चला जाएगा, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा बस, ठीक है ये आएगा लोग 2। क्या हो रहा है भाई, 2 अच्छे से मेंशन हो रहा, ठीक है लोग 2, तो ये आपके पास आ गया लोग 2। अब यहां पर आपको टी हाफ ओनली चाहिए, तो टी हाफ की वैल्यू क्या निकलेगी 2.303 डिवाइडेड बाय के और लोग 2, log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 है ना, 0.3010 कह सकते हैं। यस सर। तो यानी कि सीधा सीधा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें,
इसको मल्टीप्लाई करके अगर इसको सॉल्व किया समथिंग समथिंग आता है, हाँ बिल्कुल यही आएगा 0.693/2 है ना। तो टी हाफ जो है वो क्या, मुझे इसे नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं करना चाहिए था, चलो यहां पर कर दिया, अब क्या इलाज है। ठीक है, तो देखिए टी हाफ टी वन बाय टू इक्वल आ गया, के को अभी उतना ही रहने देते हैं 2.303 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 ठीक है, डिवाइडेड बाय के, क्लियर है भाई। तो टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 होता है ना, यस सर, डिवाइडेड बाय के 693 डिवाइड बाय के, दैट विल बी द आंसर। तो यानी टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इतना आएगा। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये समझ में आ गया? यस सर, कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ डिपेंड नहीं करता, बस यहां से हमें ये चीज ढूंढनी है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये एक वैसे तो क्वेश्चन मार्क है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं करता जबकि कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यहां से आप एक चीज सीखोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था क्या, जीरो ऑर्डर के लिए था वो, जीरो ऑर्डर के लिए था वो, तो है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके रिएक्शंस के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, कभी भी ये सॉल्व नहीं होगी। तो इससे आपको एक ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। इन्फिनिटी सुना है सभी ने? यस सर, यस सर, है ना। इन्फिनिटी हमारी लाइफ के अंदर घुसी हुई है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी बहुत दूर है। हम बोलते हैं यूनिवर्स जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक, कोना ही खत्म नहीं होता यूनिवर्स का। कहते हैं कि 4 अरब साल लगेंगे अगर हम मिल्की वे को, हमारी आकाश गंगा है जो मिल्की वे, अगर उसको क्रॉस करना चाहते हैं लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, तो 4 अरब साल लग जाएंगे। तो मतलब ये तो फिर हमें कैसे पता भाई कि मिल्की वे इतनी बड़ी है, साइंटिस्टों को कैसे पता लगता है, वो लाइट वाइट को कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो इतने मील ईयर से, इतने लाइट ईयर से आ रही है, ऐसा कुछ करके वो अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अंदाजा है, असलियत में वाकई में वो इतनी बड़ी है भी कि नहीं, कितना उसका वो है, फिर यूनिवर्स तो और भी बड़ा है, तो यानी इनफाइनाइट, इसलिए बोला था ये इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट हमारी लाइफ में भी है, कैसे, अब मैं वो आपको ना थोड़ा सा करके दिखाता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। यहां एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सिंपल पॉइंट्स हैं, नो डाउट। यहां पर आप खड़े हैं और आपको यहां जाना है, दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, यस क्लियर है सबको? यस सर, 10 मीटर का डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा आपको बताइए? तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, आप नॉर्मल, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो 10 मीटर चलने में कितने सेकंड लगेंगे? सर वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना, पाथ कौन सा ले रहे हो। सीधा सीधा यार, मिनिमम बेटा मिनिमम, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा चलेंगे ए टू बी स्ट्रेट लाइन में। सर स्पीड न्यूमेरिकल वैल्यू में बता दो। क्या बेटा? सर मतलब स्पीड की, स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता हूँ मैं, लगभग 2 फीट पर सेकंड, ये आपकी स्पीड है। एक कदम में 2 फीट होते हैं, याद रखना, नॉर्मली 2 से 2.5 फीट होते हैं, बड़ा आदमी है थोड़ा हाइट में ज्यादा है तो 2.5 फीट हो जाएंगे मैक्सिमम उसके, तो 2 से 2.5 फीट के बीच में एक कदम होता है और आप एक कदम 1 सेकंड में चल रहे हैं, तो 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 10 मीटर में 30 फीट होते हैं, ये भी बता देता हूं, कितना टाइम लगेगा? अरे 15 सेकंड। हाँ 15 सेकंड, 15 सेकंड लगेंगे, श्योर है? ठीक है, नो डाउट, क्वेश्चन इज राइट। यस सर, अभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन राइट है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, ये भी बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है। अब मेरे को एक चीज बताइए, आपको यकीन है आप 15 सेकंड में 10 मीटर पार कर लोगे? सारा डाटा यही है, बिल्कुल पक्का यकीन है ना कि अगर इस स्पीड से चलेंगे, इतना चलेंगे, सीधा चलेंगे तो पक्का पार हो जाएंगे? यस यस सर, मैंने आपको 30 सेकंड दे दिए, आप 15 कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड में पार कर लोगे? यस सर हो जाएगा, 1 फीट से चलेंगे, इसमें तो पक्का ही पार हो जाएगा, है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं, मैं ना आपकी स्पीड को कम कर रहा, आप स्पीड बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बढ़ाना चाहो टाइम बढ़ा सकते हो कि मैं तो धीरे चलूंगा,
वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपको बोल रहा हूं कि मुझे वो बताते रहना बस। क्या बताते रहना पता है? कि हर बार जब आप आधा डिस्टेंस कवर कर लें तो मुझे बता देना कि सर अब मैंने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर जो आगे का बचा उसका आधा कवर कर लें, जो आगे बचा उसका आधा कवर कर लें, मुझे फिर से बता देना। अब बताओ आप 10 मीटर कवर कर लोगे? सर एक बार फिर से बोलना आप बता दो। देखो 10 मीटर का डिस्टेंस है, क्वेश्चन वही है वैसा ही है, नो डाउट। पहले आपने जो बताया आप फालतू में हिचक रहे थे वो तो बिल्कुल सही है, नो डा कोई दिक्कत नहीं उस डाटा में। 10 मीटर का डिस्टेंस है, मैं कहता हूं कि जब बेटा आप 5 मीटर कवर कर लो तो यहां मुझे आपको बस रिकॉल करना, मुझे कॉल करना है कि सर हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद जो ये 5 मीटर बच गया, जब आप वापस यहां पहुंच जाओ तब मुझे फिर से रिकॉल करना है, मुझे सिर्फ बताना है कि सर मैंने जो बचा था उसका आधा कर लिया। फिर नेक्स्ट जो बच गया उसका भी जब आप आधा कवर कर लो तब मुझे बताना है फिर से कि सर जो बचा था उसका भी मैंने आधा कर लिया। और हर बार जितना भी डिस्टेंस बच जाएगा बताने के बाद, उसका आधा कवर करने पर आपको मुझे वो बताना होगा कि मैंने आधा कवर कर लिया। बस इतनी सी बात करनी है। अब मुझे बताओ क्या 10 मीटर पार कर लोगे आप? नो सर, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम तो सर क्योंकि हम तो हाफ हाफ करते करते बिल्कुल इनफिनिटी पे चले जाएंगे ना, हाफ हाफ करते 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 कभी खत्म नहीं होगा वो, है ना? यस सर। पर 10 मीटर तो आप पक्के तौर पर पार कर लोगे, इज नॉट दिस राइट? यस। ये तो सच है ना कि 10 तो आप पार ही कर लोगे अगर मुझे नहीं बताते। वेट, अगर मुझे नहीं बताते तो पार कर लोगे? यस सर। तो बताओगे तो पार क्यों नहीं कर पा रहे हो सर? क्योंकि वो तो हाफ हाफ होता ही चले जाएंगे। देखिए मैंने आपकी स्पीड के साथ छेड़खानी नहीं की है, मैंने ये भी बोला टाइम ज्यादा ले लो, स्पीड बढ़ा लो जितनी चाहते हो बढ़ा लो, लाइट की स्पीड से चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ आधे आधे डिस्टेंस पर ये बताते रहना कि सर हमने आधा पार कर लिया। तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप ये कह रहे हो ना पहुंच नहीं पाओगे, बट 10 मीटर तो कवर आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? इन्फिनिटी कहीं बीच में घुस रही है? यस सर। पॉइंट आएगा जिसका हाफ बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ थोड़ी देर में आ जाएगा वो, फिर उसका भी हाफ होगा, फिर उसका भी हाफ, वो छोटा छोटा होता जाएगा, नो वरी। लेकिन फिर भी आप पूरा 100% 10 मीटर पार नहीं कर पाओगे। पर ये सच है कि हम 10 मीटर आराम से 10 सेकंड में भी पार कर जाएंगे, थोड़ा सा अच्छी स्पीड हो तो, वरना 15 सेकंड में तो पक्का कर जाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में हम लगभग 1.5 कदम चल लेते हैं, 1.5 से 2 कदम चल सकते हैं एक सेकंड में, है ना? तो मतलब 10 मीटर जो है वो आराम से 10 सेकंड में आप पार कर जाओगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट अगर मुझे बताना पड़ जाए कि 10 मीटर आप पार कब तक करोगे, तो आपसे वो पार ही नहीं हो रहा है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अभी आपकी स्पीड को भी अफेक्ट नहीं किया, और बल्कि मैं बोल रहा हूं फिर भी हमसे पार नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहां है? इस क्वेश्चन पर जरूर सोचना, फर्स्ट ऑर्डर ऐसे ही है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, जीता जागता एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, 100% नहीं हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर। अभी अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाला, अभी अभी ये पीछे हाफ लाइफ निकाला। यस गाइस क्लियर है? यस सर। निकाला आपने हाफ लाइफ निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर का 100%। फर्स्ट ऑर्डर का 100% टाइम निकाल नहीं सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर 100%। लेकिन हाँ टी जो है वो 3/4 टाइम तो निकाल ही सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना? यस सर। 75% फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे तो 75% निकाले भी फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? केटी इक्वल कितना होता है? केटी नेचुरल लोग, चलो लोग नहीं, हाँ नेचुरल लोग ही लगाते हैं क्या? लोग लगाएं, लोग लगाएंगे, लोग से पहले 2.303 लगाना पड़ेगा, 2.303 लोग ए नोड बाय 80 है ना? यही है? यस सर। क्लियर है? तो इसका 75% टाइम निकालो भाई, तो ये 75% आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा वहां पे? सर की जगह a नॉट बाय 4 आ जाएगा। a नॉट डिवाइडेड बाय 4, यही है? यस सर। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 4, 4 तो ऊपर चला जाएगा, लॉग 4 की वैल्यू आ जाएगी सर, 2 टाइम्स हो जाएगा हाफ लाइफ के। यस सर। हाँ सीधा सीधा लॉग 4 कितना होगा? सर 2 की पावर 2 लिख देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर जो हाफ लाइफ की इक्वेशन है 2 बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 30 10 है, वो आ जाएगा 60 20, है ना? यस सर। सीधा सीधा
टू बाहर ना भी निकाले मल्टीप्लाई भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये भी ठीक है कि बाहर निकाल लेते हैं टू को, तो टू मल्टीप्लाई में 2.303 बाहर निकाल लेते हैं, चलो ये काम सही है, 30 10 यही है, सही है। यस सर। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं टी 75% इक्वल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू के को अगर इधर लेके आए तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, ये हाफ टाइम आ जाएगा ना, टी हाफ, समझ में आ गया होगा सबको। यस सर, है ना, और ये के को मैं यहां से गायब कर देता हूँ, क्लियर है भाई। यस सर। तो देखो 75% तो निकाल सकते हो, हमने जीरो ऑर्डर का 100% टाइम निकाला था, याद है? यस सर। कितना था? वही देखते हैं चलो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ लॉग में, अब हम कहें लॉग में कोई प्रॉब्लम है, अब आपको यही लग रहा होगा कि लॉग में प्रॉब्लम है ना, टी 100%, तो वो फाइंड करते हैं भाई, तो के टी 100% विल बी इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जीरो, जीरो, ए की कंसंट्रेशन जीरो हो गई, बस ये प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन सी लगती है कि लगता है चलो यहाँ तो मैथ बेचारा फंस गया ना, मैथ yes, में गलती, अपने में थोड़ा गलती है ना, तो ये इन्फिनिटी डायरेक्ट लगा दूं, के से डिवाइड करोगे, के से डिवाइड कर दो तो भी इन्फिनिटी का कुछ बिगाड़ लेगा क्या के? नो सर, कुछ नहीं बिगड़ता इसका, तो ये तो जेन्युइन सी प्रॉब्लम समझ में आ रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो चलने में क्या प्रॉब्लम है, आप पार तो कर ही जाओगे? नहीं सर, पार कर सकते, पार नहीं होगा क्या 10 मीटर? 10 मीटर नहीं सर, हो जाएगा। 10 मीटर जेन्युइनली चलते हैं हम सब चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैथ की टर्म में देखते हैं, मतलब मैथ की टर्म में भी नहीं देख रहा मैं तो बस ये कह रहा हूँ आधा चलने के बाद मेरे को बता देना, तो किसी भी चीज का आधा नहीं किया जा सकता, यहाँ से कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो क्या ये मैथ की प्रॉब्लम है? नहीं, आधा तो हो सकता है किसी भी चीज का, नो प्रॉब्लम टू इट। तो फिर कैसे ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.99% तो आप कवर कर सकते हैं, बट 100% कवर नहीं होगा, तो 99.99% यानी टी की वैल्यू कितनी है भाई? लगभग 100 नहीं है टी। इनफिनिटी भी तो एक पॉइंट होगा ना, मतलब जैसे बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो इनफिनिटी कंसीडर करेंगे तब तो रिएक्शन कंप्लीट हो ही जाएगी। अच्छा समझ गया, चलो मैं इससे एक इंटरेस्टिंग ये चीज मैं सुनना चाहता था कुछ ऐसा, सुनिए आप जो चल रहे हैं ठीक है, जब आपका आधा टाइम रह जाएगा, मतलब 5 मीटर चल लिए तो आधा टाइम, आधा क्या हो गया डिस्टेंस रह गया, फिर 2.5 मीटर चल लिए तो आधा डिस्टेंस फिर से रह गया, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आधा हो रहा है तो अब उस आधे डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपका टाइम भी तो कम हो रहा है, क्योंकि स्पीड तो उतनी है, स्पीड को तो आपने छेड़ा ही नहीं है। यस सर, है ना, स्पीड तो आप हाथ ही नहीं लगा रहे भाई, टच भी नहीं कर रहे स्पीड को, तो डिस्टेंस आधा हो गया तो टाइम भी तो आधा रह गया ना, तो yes, इसका मतलब टाइम कम होता जा रहा है, और आधा जाओगे तो टाइम का भी फ्रैक्शन होता जाएगा, टाइम भी मतलब आपको उस थोड़े से पार्ट को जो बहुत मतलब काफी बार हाफ हाफ करने के बाद जो छोटा सा पार्ट बचेगा उसको वहां एंड करने में टाइम भी बिल्कुल छोटा सा लगेगा, बहुत ही छोटा, 1 सेकंड का भी लाखवां हिस्सा, फिर 10 लाखवां हिस्सा, फिर 20 लाखवां हिस्सा, फिर 50 लाखवां हिस्सा, 1 सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगेगा, ये बात समझ में आई? यस सर। टाइम लैप्स भी तो कम हो रहा है लेकिन फिर भी आप पहुंच नहीं पा रहे, थोड़ा सा टाइम आपसे कवर नहीं हो रहा, मतलब टाइम कहीं रुक रहा है या डिस्टेंस कहीं बढ़ रहा है या टाइम लैप में आप फंस गए हो, एक्चुअल में तो आप टाइम लैप में फंस गए हो, है ना, आप बढ़ते जा रहे हो आगे लेकिन फिर भी टाइम पूरा नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं कर पाओगे, आप पार तो कर लोगे ना, आई थिंक मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे 10 मीटर तो चल ही सकते इज नॉट दिस, है ना, यानी आप सभी लोग 10 मीटर चल सकते हैं लेकिन उसके बावजूद आप लोग 10 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसको ध्यान से सोचना, इसमें ना शायद कहीं ना कहीं, मेरे को ये क्वेश्चन हमेशा से इंटरेस्टिंग लगा है
और मैंने बहुतों से पूछा है, बहुतों से मत्था मारा है, उसका आंसर नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई हम आंसर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि कहीं टाइम लैप को, टाइम को कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम यहाँ पर टाइम को रोक सकते हैं। रुक गया टाइम, सोचो आपके लिए, क्योंकि 10 मीटर कभी कवर नहीं होंगे आपसे, भले कितना भी हो, भले टाइम कम रह गया, लेकिन एक हिसाब से आपने टाइम को रोक दिया। स्पीड कम में भी टाइम को रोका जा सकता है, आइंस्टीन ने ये कहा था, याद रखना बेटा, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मानता हूं मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, बट मैं इतना जानता हूं कि मेरी बात मुझे ये सही लगती है। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो टाइम को, टाइम आपके लिए रुक जाएगा, उससे ज्यादा चलेंगे तो टाइम बैक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में चलेंगे टाइम की स्पीड से तो टाइम रुक जाएगा, एंटी क्लॉक में चलेंगे तो टाइम बैक जाना शुरू हो जाता है, फास्ट चलना शुरू हो सकता है, भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में जा सकते हैं, ऐसे उल्टा, है ना। अब मैं क्या कहता हूं कि आपको टाइम को रोकने के लिए लाइट के बराबर स्पीड की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू अचीव द स्पीड ऑफ लाइट टू स्टॉप द टाइम, दैट इज द थिंग आई एम सेइंग। और मुझे इसमें कहीं ऐसी कुछ नजर चीज आती है कि हम यहाँ इनफाइनाइट टाइम के ऊपर टाइम रोक दिया हमने, एक्चुअल में टाइम कैसे रुक गया, आप 10 मीटर पार ही नहीं जा रहे हो, टाइम कम हो गया और कम हो गया, लेकिन फिर भी आप पार नहीं जा रहे हो, डिस्टेंस भी कम रह गया फिर भी आप पार नहीं कर पा रहे हो, तो हमने टाइम को रोक दिया। हर जगह पर टाइम को रोका जा सकता है, हर जगह पर, हमारी लाइफ में घुसा हुआ है, हर 10 मीटर के डिस्टेंस पर हम टाइम को रोक सकते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा है हमसे, आई डोंट नो व्हाई। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। तो सोचिएगा जरूर इस पे कि टाइम कैसे रुक सकता है भाई, और अगर आप लोगों ने टाइम रोक दिया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर हम बढ़िया लेवल की वो कोई रिसर्च करेंगे, कोई आइडिया मेरे को भी देना, शायद कोई ऐसा आइडिया आ जाए आप लोगों के दिमाग से मेरे दिमाग में, जिससे मैं मेरी उस कह लो कि खोज के आसपास पहुंच जाऊं, है ना। पहुंच सकते हैं या नहीं, आपको यकीन है कि नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ। यस सर, इसका आंसर शायद जहां तक लग रहा है मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होगा। पता नहीं, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई, क्या आंसर होगा आई डोंट नो एक्चुअल में, बट जो भी आंसर है, जैसा भी आंसर है, आंसर मजेदार है इसका, और अगर हम उसको कामयाब हो पाए उसको करने में, तो भाई समझ लेना कि हमने टाइम को जीत लिया, और ऐसा पॉसिबल है, याद रख लेना, क्योंकि साइंटिस्ट सारे मानते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन कैसे हमें तरीका नहीं पता। ये कुछ कुछ मेरे को आइडिया देती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ऐसा कैसे हो सकता भाई कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्या आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी? मैंने कोई केमिकल रिएक्शन शुरू कर दी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100% का टाइम नहीं बता रही हो, पर क्या आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं होगी? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 10 मीटर का कभी कवर ही नहीं कर पाओगे, 10 मीटर तो कवर ही कर लोगे लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे, दैट इज द थिंग। क्लियर है? तो 99.99% हम कर सकते हैं, ये 99.99% को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, 90% टाइम निकालना, 70% टाइम निकालना, ये सारे टाइम्स आप खुद निकालने की कोशिश करना। क्लियर है बेटा सबको? और थोड़ा इस बात पे जरूर सोचना कि हम इन्फिनिटी के कितना करीब हैं, इन्फिनिटी हमारी लाइफ में घुसी हुई है लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई। और अगर हम सच में उसको समझ गए तो हम टाइम लैप्स के ऊपर टाइम को भी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कहीं कहीं टाइम कम और ज्यादा होता है, ये साइंटिस्ट मानते हैं। पता है आपको, स्पेस के अंदर जब स्पेस पे जाते हैं हम, पता है वहां पर टाइम स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है? सर वहां पे स्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल बॉडी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, तो हमारी उसको स्लो, एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है वो। किसको स्लो करती है? हमारे जो, जैसे कि हमारे जो हार्ट बीट वगैरह है उन सबको स्लो कर देती है, इसलिए हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। ऊपर जाते हैं जब स्पेस में? नहीं सर, अगर हम किसी बहुत बड़े ग्रेविटेशन, बहुत बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के पास में है तो। ग्रेविटी बढ़ने पर टाइम स्लो होता है, आप ये कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी से टाइम फास्ट होता है, उल्टा नहीं है? इज नॉट, मुझे ग्रेविटी बढ़ने से टाइम कम ही होता है, स्लो हो जाता है। स्लो होता है सर, स्लो होता है ग्रेविटी से टाइम, हो सकता है। चलो अगर ग्रेविटी से टाइम स्लो होता है, मे बी, ठीक है चलो मान लेते हैं, वो शायद मैं उल्टा सोच रहा हूँ। एक और चीज बताता हूँ, स्पेस में मतलब टाइम फास्ट हो जाता है, सिंपल है ना, स्पेस में टाइम फास्ट हो जाता है। तो स्पेस के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जो घड़ियां होती हैं वो बार बार उनको घड़ियों के टाइम को मिलाते रहते हैं, उसको बैक करते रहते हैं, अगर फास्ट होता है तो बैक करते हैं, अगर स्लो होता है तो उसको आगे करते रहते हैं। ये एक रियल फैक्टर है, साइंटिस्ट रियली ऐसा करते हैं,
और ये 100% सच है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो मतलब ये बोगस बातें नहीं है, ज्यादातर जब हम इन पे थोड़ा डीप सोचते हैं तो बच्चों को भी लगता है भाई कि यार ये ऐसी बकवास मार रहे हैं, ये चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं पता नहीं, बट ये सच है। ऐसी चीजें बहुत सारी सच है, हम टाइम ट्रेवल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। और मेरा माइंड कहता है कि टाइम ट्रेवल यही कहीं हमारे आसपास ही है। कुछ चीजें आपने कभी देखा हो कि कुछ चीजें बदल जाती हैं, उनका टाइम बदल जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं, इंसान मतलब कुछ जगहें हैं अर्थ के ऊपर ऐसी जहां लोग मानते हैं कि यहाँ जाने से टाइम फास्ट या स्लो हो जाता है। जैसे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पर जाने से टाइम जो है वो फास्ट हो जाता है, इट इज बिकमिंग फास्ट, वहां फास्ट हो जाता है कैलाश पर्वत पर जाने से। आई डोंट नो व्हाई, कहीं स्लो भी हो जाता है कहीं फास्ट भी हो जाता है, मतलब हम अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी पॉसिबल है साइंस के अंदर, इनके ऊपर जरूर सोचिएगा, ये थोड़ा आपके माइंड को ओपन करेंगे, ठीक है। फिर कभी डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई इलाज मिले इसका, आप 10 मीटर पूरा चल सको तो मेरे को जरूर बताना कि कैसे पॉसिबल है, और शायद उसमें हम कोई लूप होल ढूंढ सके। एक बात बताता हूँ, आइडिया इज नो वन्स मोनोपोली। अगर आपको लगता है आप लोग बच्चे हैं और कोई बड़ा ही इस काम को करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा भी कोई अच्छा सा आइडिया दे सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आइडिया इज नो वन्स मोनोपोली, आइडिया किसी एक का एकाधिकार नहीं है, आइडिया किसी को भी आ सकता है और उस पर हम काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो सोचना जरूर चाहिए, शायद हम कामयाब हो जाएं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, मैं अब जरा इसको बंद कर रहा हूँ। अब आपके कोई डाउट है तो मुझसे डाउट भूल लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।